बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2018 अब समाप्त होने जा रहा है और लास्ट के दो चार महीने बचे हुए हैं, और अगर आप इन महीनों में कोई नया फोन लेने की सोच रहे हो तो आपको कौन से फोन लेने चाहिए और कौन से फोन आपको इग्नोर करने चाहिए, आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टैग यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक बीसीडी टैग को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टैग और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि आपको मैं इस वीडियो में किसी स्पेसिफिक फोन के बारे में नहीं बताऊंगा, मतलब कि ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये फोन लेना चाहिए ये फोन इग्नोर करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में कोई बढ़िया फोन ढूंढ रहे हो तो आपको किन किन फीचर्स को यहाँ पर सर्च करना चाहिए, किन किन फीचर्स को यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज दोस्तों मैं बात करूंगा 10,000 या फिर उससे महंगे फोन के बारे में। तो अगर आप कोई 10,000 का फोन या फिर उससे महंगा फोन ढूंढ रहे हो तो आपको सबसे पहले उस फोन की बेजल चेक करनी चाहिए। अगर दोस्तों बेजल बड़ी है, मतलब कि ऊपर और नीचे की साइड को काफी मोटी बेजल मिल रही है, तो आपको फोन को इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको करंट इस समय मोटी बेजल वाले फोन इग्नोर करने चाहिए। आपको सर्च करना चाहिए ऐसे फोन जिसमें बेजल कम से कम हो। अब दोस्तों अगर नॉच की बात करें तो यहाँ पर अगर आप बड़ी नॉच वाला फोन पसंद आ रहा है तभी आप लें, नहीं तो दोस्तों मार्केट में कम नॉच वाले, छोटी नॉच वाले, वाटर ड्रॉप नॉच वाले भी फोन हैं, आप उनको देख सकते हो। दूसरा दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा फोन लेने की सोच रहे हो जो कि 6 महीने या फिर उससे भी पहले लॉन्च हुआ है तो अभी उस फोन को इग्नोर कर दें, क्योंकि पिछले 6 महीनों में काफी सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्पेसिफिक मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल कंपोनेंट्स की। आपको कैमरे सेंसर में, आपको आईसीज में, आपको सीपीयू में, आपको रैम में काफी सारी इंप्रूवमेंट्स मिल जाएंगी, काफी सारी रिविजन्स हुई हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली अभी आपको इस प्राइस सेगमेंट में 6 महीने पुराना या फिर उससे भी पुराना फोन इग्नोर करना चाहिए। तीसरा, प्रोसेसर्स इस प्राइस सेगमेंट में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 या फिर उससे कम सीरीज वाले प्रोसेसर्स को इग्नोर कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप इग्नोर कर दें अनटिल अनलेस आपको कोई बढ़िया फीचर ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर 625 को भी मैं इग्नोर करने के लिए कहूँगा। चौथा, कैमरा। दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में आप सिंगल कैमरे वाले फोन को इग्नोर कर दें, क्योंकि आपको आराम से इस प्राइस सेगमेंट में ड्यूल रियर कैमरा वाले फोन मिल जाएंगे। तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप इस प्राइस सेगमेंट में ऐसा फोन लें जिसमें कम से कम रियर साइड में आपको 2 कैमरे मिल जाए। पांचवा, इस प्राइस सेगमेंट में जितने भी मीडियाटेक बेस्ड फोन्स हैं आप उनको इग्नोर कर दें। अगर आपको लेना है आप क्वालकॉम के फोन को प्रेफर करें, आपको आराम से मिल जाएंगे। मीडियाटेक इस प्राइस सेगमेंट में बढ़िया परफॉर्म नहीं करती। आप 10,000 से नीचे के फोन्स में मीडियाटेक ले सकते हो, बट 10,000 से ऊपर आप मीडियाटेक को इग्नोर करें। छठा, बैटरी। आपको इस प्राइस सेगमेंट में कम से कम 3200 mAh की बैटरी प्रेफर करनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो वेल एंड गुड, कम से कम आपको 3200 mAh की बैटरी प्रेफर करनी चाहिए। और ये क्यों? क्योंकि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में जो प्रोसेसर्स आपको मिल रहे हैं वो काफ़ी पावर हंग्री हैं, तो यहाँ पर अगर आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं होगा तो फ़ोन आपका एक दिन भी चल नहीं पाएगा। सातवां, वेरिएंट। यहाँ पर आप लो वेरिएंट को प्रेफर करें, मतलब कि कम रैम कम रोम वाले वेरिएंट को प्रेफर करें, अनटिल अनलेस आपको ज़्यादा मेमोरी या फिर ज़्यादा रैम की जरूरत ना हो। तो यहाँ पर आप लो वेरिएंट को प्रेफर करें और उसी पर और फोन को कंपेयर करें। और फाइनली आठवां, सर्विसिंग। दोस्तों आप इन सारे ब्रांड्स को इग्नोर कर दें जो कि सर्विसिंग के नाम पर आपको काफ़ी पुअर सर्विस देते हो, मतलब कि अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाए और ये कंपनीज आपको सर्विसिंग के नाम पर कभी लटकाए, कभी बुलाए, कभी भगाए, तो आपको इन सारे ब्रांड्स को इग्नोर कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप इस प्राइस सेगमेंट में एक बढ़िया फ़ोन खरीद पाओगे। बाकी हर किसी की प्रेफरेंस अलग होती है, कईयों को कैमरे पसंद आते हैं, कईयों को डिज़ाइन पसंद आता है, कईयों को परफॉर्मेंस पसंद आती है, कईयों को लुक पसंद आता है, तो हर किसी पर्सन की अपनी प्रेफरेंस है। तो अगर आप अपनी प्रेफरेंस को रखते हो और उसके बाद जो मैंने आपको बताया उनको देखते हो तो डेफिनेटली आप इस प्राइस सेगमेंट में एक बढ़िया फ़ोन खरीद पाओगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, ताकि और लोग भी जान पाएं कि एग्जैक्टली उनको किन फीचर्स को लेना चाहिए और किन फीचर को इग्नोर करना चाहिए अगर वो इस प्राइस सेगमेंट में कोई बढ़िया फ़ोन ढूंढ रहे हैं। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।